देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई से चलकर नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अनाउंसमेंट सुनते ही चुट्टू अलर्ट हो जाता है और दोनों दोस्तों से कहता है, अपना अपना सामान लो और एसी टायर, वो जो सामने खड़ी होगी वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। चुट्टू, चुन्नू और मुन्नू तीनों दोस्त रेलवे का एग्जाम देकर वापस नई दिल्ली जा रहे थे। तीनों दोस्त आराम से आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और उनके बीच हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है। शाम के 5 बज रहे थे। भोपाल स्टेशन पर गाड़ी करीब 1 घंटे से खड़ी देखकर चुन्नू टीटी से पूछताछ करने को जाता है और जब वो अपने दोनों दोस्तों मुन्नू और चुट्टू के पास आता है तो उसके दिमाग में हमेशा की तरह ही एक नया खुराफात जन्म ले चुका था। चुन्नू की बातों में आकर तीनों भोपाल स्टेशन पर अपने बैग के साथ उतर जाते हैं। टेक्निकल खराबी के चलते ट्रेन अब 12 घंटे बाद ही भोपाल स्टेशन से छूटेगी। ये जानकर तीनों दोस्त भोपाल के उस सिनेमा घर की तरफ टैक्सी ड्राइवर को ले चलने को बोलते हैं जिस सिनेमा घर में अभी की कोई हॉरर फिल्म लगी हो और जो शो 7 बजे से चलती हो। टैक्सी ड्राइवर उन्हें वहां ले जाता है लेकिन हाउसफुल होने की वजह से तीनों दोस्तों को टिकट नहीं मिलती है। चुन्नू टैक्सी ड्राइवर से पूछता है, किसी और सिनेमा घर में ये मूवी लगी है क्या? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, एक और सिनेमा घर में यह मूवी तो लगी है लेकिन वो सिनेमा घर बहुत सुनसान रहता है। वहाँ लोग जाते तो हैं लेकिन बहुत कम लोग ही वहाँ जाकर फिल्म देख पाते हैं। चुट्टू के पूछने पर कि वो सिनेमा घर सुनसान क्यों है और बहुत कम लोग ही क्यों जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर बताने ही वाला था कि मुन्नू बीच में ही उसे रोक कर कहता है, यार तुझे फिल्म देखनी है या फिर सिनेमा घर के बारे में जानना है? चलो भैया, हमें उसी सुनसान सिनेमा घर में ले चलो, क्योंकि हॉरर फिल्म देखने का सुनसान जगह पर और ही मज़ा आएगा, क्यों, क्या बोलते हो? और फिर वो तीनों टैक्सी ड्राइवर को बोलकर उस सिनेमा घर की ओर ले चलने को कहते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और सिनेमा घर के अंदर घुस गए। 3 बालकनी टिकट्स प्लीज, ये कहते हुए चुन्नू ने काउंटर के अंदर पैसे रखे और टिकट लेकर चुट्टू और मुन्नू के पास आ गया। यार वो टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल सही कह रहा था, देख बहुत ही सुनसान है ना ये सिनेमा घर, लोग भी नहीं दिख रहे हैं, चुट्टू ने अपनी थूक को निगलते हुए कहा। तू तो डरपोक का डरपोक ही रहेगा, मैं तुम लोगों को इसीलिए हॉरर फिल्म दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों के मन का डर खत्म हो जाए, ऊपर चलो और लोग मिल जाएंगे, मुन्नू ने चुट्टू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी सीट के दाएं बाएं और आगे पीछे देखते हुए चुट्टू ने कहा, हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है यार। चुन्नू आगे की ओर बढ़ा और नीचे झांकते हुए कहने लगा, नहीं नहीं कुछ लोग हैं, देखो हम 3 ही नहीं हैं सिर्फ। चुट्टू ने देखा तो नीचे करीब 14 से 15 लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। मूवी शुरू हुई और तीनों दोस्त फिल्म देखने लगे। मूवी में दिखाया जाता है कि हीरो एक कमरे में खड़ा है, तभी एकाएक दरवाजे पर दस्तक होती है। हीरो दरवाज़ा खोलता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तभी उसे लगता है कि उसके कमरे में कुछ गिरा है। वो दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक कटा हुआ सिर लटक रहा होता है। लटकते हुए सिर को देखकर चुट्टू को भी ये महसूस होता है कि उसके आगे भी जैसे कटा हुआ सिर लटक रहा हो। वो अपनी आंखों को डर से बंद कर लेता है और अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर बैठ जाता है। धीरे धीरे चुट्टू अपनी आंखें खोलता है तो सामने कुछ भी नहीं पाकर उसका डर कुछ कम हो जाता है।
तभी मुन्नू उससे कहता है, पीछे मुड़कर क्या देख रहा है, मूवी तो आगे चल रही है। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, चुट्टू ने झूठ बोलते हुए कहा। चुट्टू नहीं चाहता था कि उसके दोनों दोस्त उसे डरपोक कहकर चिढ़ाएं। इंटरवल हो चुका था। मुन्नू ने चुट्टू से कहा कि हमारे लिए खाने के लिए कुछ ले आओ। चुट्टू स्नैक्स काउंटर को खोजते हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है जहां स्नैक्स लिखकर आगे बढ़ने का निशान बनाया हुआ था। वो निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। एक कमरा आधा खुला हुआ देखकर चुट्टू उस कमरे के अंदर जाता है। कमरा बहुत ही गंदा था। चुट्टू को उस कमरे में देखकर ऐसा लगा जैसे सालों से उस कमरे की कोई साफ सफाई ही नहीं हुई हो। चुट्टू पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ पड़ने लगता है। तभी उसे सैंडल की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई औरत हील्स पहनकर उसके पीछे चल रही है। चुट्टू डर के मारे पीछे नहीं मुड़ता और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर तक उसे लगता है कि वो हील की आवाज़ उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाने पर सफाई कर रहे एक पापा पर नज़र पड़ती है चुट्टू की। चुट्टू उनसे स्नैक्स कहाँ है पूछता है और स्नैक्स लेकर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। बड़ी देर कर दी तूने, हम तो यही बातें कर रहे थे कि इतनी देर हो गई, अभी तक चुट्टू नहीं आया, कहीं डर कर रेलवे स्टेशन तो नहीं चला गया, कहकर मुन्नू हंसने लगा और चुन्नू भी उसका साथ देने लगा। मेरा मजाक बंद करो और स्नैक्स खाओ, बाद में मत कहना कि मैंने सब खा लिया। तीनों स्नैक्स खाने में लग जाते हैं। चुट्टू ने भी हंसते हुए कहा। मूवी भी शुरू होती है और तीनों मूवी देखने लगते हैं। मूवी के एक सीन में सामने से हीरोइन की गर्दन की तरफ एक हाथ बढ़ता रहता है जो हीरोइन को तो नज़र नहीं आता लेकिन फिल्म देखने वालों को इस सीन में दिख रहा होता है। चुट्टू को लगता है कि हीरोइन के गर्दन की तरफ पड़ने वाला हाथ पर्दे से निकलकर बाहर आ गया है और उसकी गर्दन की तरफ पड़ रहा है। वो चिल्ला उठता है लेकिन उसे महसूस होता है कि उनके दोस्तों तक जो कि उसके बिल्कुल पास ही बैठे थे उन तक उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। एक हाथ उसकी तरफ पड़ते ही जा रहा था और वो चिल्ला भी रहा है लेकिन कोई भी उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुन नहीं रहा। वो हाथ पड़ते हुए उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाला होता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है। जब चुट्टू की आंखें पानी के छींटे मारने पर खुलती है तो वो देखता है कि टिकट देने वाला आदमी उसके सामने पानी की बोतल रखकर खड़ा है और पास ही उसके दोनों दोस्त खड़े हैं। अपने दोस्तों से उसे पता चलता है कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा था और बेहोश हो गया था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही फिल्म को बंद कर दिया गया और सब उसके पास इकट्ठा हो गए थे। चुट्टू कहता है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। दोनों दोस्तों के साथ चुट्टू सिनेमाघर से बाहर निकल आता है। सिनेमाघर के गेट पर खड़े होकर चुट्टू एक बार फिर से पीछे मुड़ता है और सिनेमा हॉल में देखने लगता है। उसकी नज़र एक पोस्टर पर लगे हुए दीवार के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर जाती है। चुट्टू देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे उस खिड़की से देख रही है। उसे देखते ही सैंडल की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है। ट्रेन के बर्थ पर चुट्टू को लिटाकर चुन्नू अपना मोबाइल निकालता है और उस सिनेमा घर का नाम गूगल पर लिखकर रिसर्च करता है तो पता चलता है कि उस सिनेमा घर में एक हीरोइन ने अपनी नाकामयाबी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। तभी से वो सिनेमा हॉल में बहुत ही कम लोग फिल्म देखने जाते हैं। उस हॉल में रात में ही फिल्म दिखाई जाती है। उस सिनेमा हॉल में कुछ लोगों को महसूस हुआ कि वहाँ पर उस हीरोइन की आत्मा है लेकिन आज तक उस आत्मा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया।
तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, इन सब चीजों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी मैं करना चाहता था। मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इस दिन के बाद से मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास करने को मजबूर था। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे मानना ही पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ना ही मिलें तो अच्छा रहेगा। दरअसल घटना है आज से करीब 12 साल पहले की। मेरी उम्र यही कोई 16-17 साल की थी। मुझे नानी घर बहुत पसंद था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर नानी के घर ही जाया करता था। मगर उस बार जब मैं नानी घर गया तो वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं थे, वो सर्दियों की छुट्टियां थे। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियां नानी के घर में ही बिताया जाए। तो मैं नानी के घर पहुंच गया। सबसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वहां के दोस्तों से, घर वालों से, परिवार वालों से, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। वहां जाते ही मैंने अपना सामान रखा और मैं बाहर खेलने निकल गया। वहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। खेलकर जब मैं शाम को वापस घर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी ही हो जाता है। मैंने हाथ मुँह धोया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बस यही तो काम था मेरा, वहाँ खेलना, वापस घर आना और सो जाना। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। अभी मैं लेटा लेटा अपने कमरे में छत की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई। मामी और नाना जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं रूम से निकलकर बाहर आया तो सुना कि मामी नाना जी को बाहर जाने से मना कर रही है और नाना जी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जाकर मामा को टिफ़िन पहुंचा आएंगे। इस पर मैंने मामी से कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? इस पर मामी ने कहा, देखो तुम्हारे नाना जी को मैं मना कर रही हूँ कि आज उन्हें टिफ़िन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से जुगाड़ करके खा लेंगे। इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, ये जाएंगे वापस इतनी दूर तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इस पर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी रहने दीजिए, मामा जी खा लेंगे कहीं से जुगाड़ करके। इस पर नाना जी ने कहा, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना नाना जी की जगह मैं टिफ़िन पहुंचाने चला जाऊं मामा जी को। मामा जी की फैक्ट्री मैंने देख ही रखे थे तो मैं वहां पर जाकर आराम से उन्हें टिफ़िन देकर आ भी जाऊंगा। मैंने ये विचार नाना जी से कहा। इस पर नाना जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इतनी रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता बढ़िया नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, क्यों बढ़िया नहीं है मतलब क्या, मैं बच्चा थोड़ी हूँ नाना जी, मैं पहुँचाऊँगा टिफ़िन। नाना जी से बहुत ज़िद करने के बाद वो मान गए, मगर उन्होंने साथ ही एक हिदायत भी दी, देखो तुम जाओ एक टॉर्च भी साथ लेकर जाओ, मगर अगर कोई पीछे से आवाज़ दे, कैसी भी आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़, अगर कोई छोटी सी हलचल की भी आवाज़ हो तो पीछे पलट कर मत देखना, बस आगे चलते जाना, टिफ़िन पहुंचाना और सीधे घर आना, कहीं और मत जाना और पीछे पलट कर गलती से भी मत देखना। मैंने नाना जी की बात पूरी सुनी और टिफ़िन लेकर घर से चल पड़ा मामा जी के फैक्ट्री की ओर, जहां पर मामा जी काम करते थे। घर से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने
मुझे हिला कर रख दिया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने भी बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। मैं टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। चूंकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम के यहीं कोई 7 या 7:30 ही बजे होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ सीधे मामा जी के फैक्ट्री पहुंचा, उन्हें टिफ़िन दिया, उनसे मुलाकात की, थोड़ी बात की। और फिर मामा जी ने कहा, देखो यहाँ से सीधे घर जाना और कहीं मत जाना, और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी कौन आवाज़ देगा इस रास्ते पर, नाना जी भी यही बोल रहे थे कि पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मामा जी ने कहा, मैं कल सुबह जब घर आऊँगा तो बताऊँगा, अभी जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, रात होने से पहले घर पहुँच जाना। जिसके बाद मैं वहाँ से निकला और वापस घर की ओर चल पड़ा। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था क्योंकि मौसम ठंड का था। ठंड के मारे सारे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे, और वो रास्ता भी जंगलों से घिरा हुआ था। कच्ची सड़क, ऊपर से आजू बाजू जंगल। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, सुनो रुको। आवाज़ सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी वापस पीछे से आवाज़ आई, पीछे पलट कर देखो तो सही, मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते हो। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मुझे नाना जी की कही बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। पता नहीं क्यों मुझे वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी लगने लगी थी, इसलिए मैंने वापस से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था, मगर पीछे से वो आवाज़ लगातार आए जा रही थी। चलते चलते मैं भागने लगा और भागते भागते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने नाना जी को पूरी बात बताई। पहले तो नाना जी ने मुझे शांत किया और फिर कहा, दरअसल वो जो आवाज़ थी वो कोई इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो एक प्रेत की आवाज़ थी। उस रास्ते पर प्रेत भटकते हैं, वो आवाज़ देते हैं, अगर तुम उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलट गए तो फिर तुम वापस कभी घर नहीं आ पाओगे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, और अगर पीछे नहीं पलटे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छू भी नहीं सकते, तुम्हें अपनी मर्जी से पीछे पलटना होता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।